समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष इंद्रेश कुमार साहनी को बनाए जाने पर बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त सैनिक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इंद्रेश कुमार साहनी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके संबंध में सैनिक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इंद्रेश कुमार साहनी ने बताया कि हम सभी पूर्व सैनिक समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे तथा संगठन को मजबूत करने के लिए घर घर जाकर समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे और बूथ को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव में पूर्व सैनिक समाजवादी पार्टी के साथ है और चुनाव में सपा को वोट देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस अवसर पर सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी सहित पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के सैनिक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष इंद्रेश कुमार साहनी ने कहा, तो हम लोगों का एक समाजवादियों का समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का एक अनुरोध है इस तरह से निकलिए। आटे पर गेहूं पर हिटलर के समय में क्या था, जनता इस तरह से प्रभाव खड़ा कर दिया था, खाना सुधार किया है, कम से कम पेट को भरा 5 किलो, क्योंकि आप बच्चा नहीं 90% आबादी 5 किलो और 5 किलो के राशन पर ही एक एक जगह पर 3 कर्मचारी यहाँ से एक कर्मचारी हो रहा है। सैनिक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। हम पूर्व सैनिक एक साथ मिलकर के पूरे संगठन के साथ हम महानगर अध्यक्ष हैं। हम जो है समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे एकजुट होकर करके और घर घर जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ को मजबूत करेंगे और हम सब लोग मिल करके बहुत ही प्रयास करेंगे और जो है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का हम काम करेंगे। हम पूर्व सैनिक, हमको जो है कि कोई भी जो है पार्टी हमें न जानती है न पहचानती है, हमें पहचानती है सिर्फ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने हमें पहचानने का काम किया है और हमारा जुड़ने का मेन मकसद यही है। जी सर, आने वाले समय में हम पूर्व सैनिक देश का सिपाही तन मन धन से समाजवादी पार्टी को एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जोड़ करके हम काम करेंगे, जैसे हमने सेना में 20 साल 22 साल 26 साल 24 साल हमने किया है, योगदान दिया है, वैसे पहले देश सेवा अब समाज सेवा। जब हम पहले से देश सेवा किए अब हम समाज सेवा करेंगे और समाज सेवा करके दिखा देंगे कि हम सैनिक जैसे देश को बचा सकते हैं वैसे अपने समाज को बचाएंगे और अपने समाज की रक्षा करेंगे। और आने वाले दिनों में समाजवादी सरकार बना करके माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे।